का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी इसे पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स बराबर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ भी कह रहा है एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स का वैल्यू वन रखो, क्योंकि कह रहा है आपके पास कि एक्स माइनस वन बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स का, यानी इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पे p 1 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस k बराबर 0, यानी k का वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। c नंबर एक और है, देख लेते हैं।